जलदाय मंत्री ने सीएम के कान में कुछ कहा और सीएम ने चलते सदन में बजट रोक दिया, क्या ऐसा देखा है कभी आपने? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज यानी 10 फरवरी को राजस्थान प्रदेश का बजट पेश होना था और मुख्यमंत्री सदन में समय से पहले पहुंच भी गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका के रख दिया। जी हां, बजट के चलते भाषण में राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी सीएम के पास जाते हैं और सीएम के कान में कुछ कहने लगते हैं। जी हां, उनकी बात सुनकर सीएम अपना बजट भाषण तुरंत रोक देते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या बोल दिया जलदाय मंत्री जी ने कि बीच में सीएम साहब ने अपना बजट भाषण ही रोक दिया। दरअसल मुख्यमंत्री सदन में पुराना बजट भाषण पढ़ने में लग गई थे। उन्होंने लाइन से 4 पुराने पॉइंट पढ़े, तभी मंत्री महेश जोशी ने सीएम के कान में आकर कहा, एक बार आपको स्पीच रोकनी पड़ेगी। सीएम ने पूछा क्यों, तो जवाब मिला वो दूसरी आ गई है, पुरानी आ गई है, देखिए वीडियो। 1,18,00,000 घर एक बार स्पीच रोकनी पड़ेगी। क्यों? दूसरी आ गई है, पुरानी। 1,18,00,000 घर इतनी बड़ी ऊंच नीच हो जाए और विपक्ष कुछ ना बोले, यह कैसे संभव है? नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोले, आज की घटना से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, बजट गोपनीय होता है और आज वह लीक हो गया। जी हां, आगे उन्होंने कहा, इसकी कॉपी सीएम के अलावा और किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है। सीएम को तीसरे आदमी ने आकर बताया कि बजट गलत है, इसका मतलब बजट तीसरे आदमी को पहले से मालूम था। आगे उन्होंने कहा कि सदन का मान रखना चाहते हैं तो इस बजट को अगले दिन पेश कीजिएगा। सदन के स्पीकर सीपी जोशी ने क्या कहा, स्पीकर साहब ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वह बोले, जो दुर्घटना हुई है वह ठीक नहीं है और जो सीएम ने भाषण दिया है वह भी ठीक नहीं है। आज की घटना से मैं आहत हुआ हूं, इस अनहोनी घटना के लिए जो सारी कार्रवाई हुई है उसे मैं निरस्त करता हूं और 11 बजे से लेकर 11:42 तक की पूरी घटना को विधानसभा की कार्रवाई से निकालता हूं। सवाल तो अंत में यही उठता है कि आखिर पुराना बजट ब्रीफ केस में रखा किसने, आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने मांग की है कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच हो। आगे के अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।